वीडियो में आगे देखेंगे कि इस पानी की टंकी में क्या प्रॉब्लम हुई है आज, पर पहले शुरुआत कर लेते हैं खमन रेसिपी से। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन, साथ ही एक लोटे में 1 कप पानी ले लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, शक्कर, नींबू का सत, इन सभी चीज़ों को मिक्स करके मैं साइड में रख दूँगी। लगभग 10 मिनट के लिए इस पानी को ऐसे ही मैंने छोड़ दिया है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, एक बार और अच्छे से इसे विस्क से मिक्स कर लेंगे। अब इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इस बेसन में मिक्स करते जाएंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स करते जाना है जब तक कि जो लम्स है इसमें वो सब डिज़ोल्व नहीं हो जाते। हमने इसीलिए इसे नहीं छाना था ताकि हम इसे अच्छे से मिक्स करें काफ़ी देर तक। तो बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने साइड में रख दिया है और यहाँ पे खमन स्टैंड चढ़ा लिया है जिसमें नींबू डाला है ताकि एल्यूमिनियम का स्टैंड जो है वो काला ना पड़े। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने खमन की प्लेट को ग्रीस कर लिया है। अब इसे प्रीहीट होने के लिए ढक के रखेंगे। तो जब तक हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है तो मिर्ची धो के रखी है जिसे मैंने लंबी लंबी कट कर ली है। मिर्च को काट के इसमें से जो बीज है उन्हें सेग्रीगेट कर लेंगे। मैं इस तरह से बीजों वाला छिलका अलग कर रही हूँ ताकि इसमें से बीज अच्छे से अलग हो जाएं। हाथ में मिर्च की जलन ना लगे इसके लिए मिर्च का काम करने से पहले हाथ पे तेल लगाया जा सकता है और मिर्च का काम करने के बाद में भी हल्का सा तेल लगा लेना चाहिए ताकि मिर्च की जलन होती है वो हमारे हाथों में नहीं लगती है। तो मिर्च यहाँ पे कट चुकी है और जो हमारा खमन स्टैंड है वो भी प्री हीट हो चुका है। बैटर को भी लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, बैटर भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा लिक्विडी है और ना ही ज़्यादा थिक है। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के साथ ही इसमें चुटकी भर मीठा रंग भी ऐड कर देंगे। ये मीठा पीला रंग है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे तो वो मीठे सोडे के साथ में रिएक्शन देगा और उसका कलर येलो की जगह रेडिश रेडिश हो जाएगा, तो वो हमारी खमन की लुकिंग को एकदम ख़राब कर देगा। तो उससे बेटर है कि हम थोड़ा सा मीठा पीला रंग इसमें ऐड कर लें ताकि जो बैटर है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और उसमें 1 टीस्पून मैंने मीठा सोडा ऐड कर लिया है। मीठा सोडा ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कंटिन्यूसली। बहुत ज़्यादा देर मिक्स नहीं करना है, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड मिक्स करेंगे तो जो बैटर है वो फ्लफी होकर एकदम ऊपर आ जाएगा। बैटर अच्छे से फूल चुका है हमारा। बस इस मोमेंट पे प्री हीटेड ओवन में हमें सारा बैटर शिफ्ट कर लेना है, ट्रांसफ़र कर लेंगे हम इसमें सारा बैटर। खमन प्लेट में हमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि ये अच्छे से राइज हो सके। तो मैंने इस स्टैंड में से पूरा बैटर नहीं डाल के थोड़ा सा बैटर निकाल लिया था जिसे मैंने इस तरह से सिलिकॉन मोल्ड में डाल के 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया और 1 मिनट में बहुत ही अच्छे से खमन बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने तेल डाल लिया है एक फ्राइंग पैन में। लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल है यहाँ पे, 1 टीस्पून राई है और 1 टीस्पून ही तिल है। राई और तिल चटकने के बाद में मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर ली है जिसे हमने पहले से कट करके रख लिया था। हरी मिर्च के साथ ही यहाँ पे चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर ली है। अब हम हरी मिर्च को
हाई टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें मीठे नीम के पत्ते भी मैंने ऐड कर लिए हैं, 3 पत्ती मीठे नीम की है। मिर्च जैसे ही फ्राई होने लगेगी इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक ऐड कर लिया है हमने, मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। रिमेनिंग ऑयल में ही हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 लोटा पानी ऐड किया है इसमें, साथ ही इस पानी में नमक भी ऐड कर दिया है क्योंकि मिर्ची इसमें फ्राई की थी तो मिर्ची का फ्लेवर ऑलरेडी इसमें है। तो यहाँ पे नमक और शक्कर ऐड कर ली है मैंने। यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है 1 टीस्पून और साथ में 6 चम्मच इसमें शक्कर ऐड की है। पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है हमने, तो शक्कर अच्छे से डिजॉल्व हो चुकी है इसमें, पानी भी अच्छे से पक चुका है। लगभग 1-2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। के पानी को मैंने ठंडा होने के लिए रखा है, उस बीच में लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसे स्टीम होते हुए। अब मैंने खमन स्टैंड का ढक्कन हटा लिया है और मैं एक बार चेक कर लूँगी जो खमन है वो हमारा अच्छे से पका है या नहीं पका है। बीच में से मुझे हल्का सा पार्ट सॉफ्ट लग रहा है, फिर भी मैं एक बार बीच में नाइफ डाल के चेक कर लूँगी। वैसे तो खमन कहीं भी चिपक नहीं रहा है, बहुत सही लग रहा है, फिर भी मैं चूँकि मुझे ऊपर से हल्का सा गीला लग रहा है तो इसे 5 मिनट के लिए ढक के और पकाऊंगी। 5 मिनट स्टीम करने के बाद मैं वैसे फिर से खोल के इसे फिर से चेक कर लूँगी और जहाँ से जो पार्ट गीला लग रहा था पहले, अभी वो गीला नहीं है, वो सूख चुका है। अब मैं उस पार्ट पे नाइफ डाल के चेक कर लिया है मैंने, अब खमन अच्छे से सब जगह से पक चुका है। ये वो माइक्रोवेव वाले खमन है, ये पानी है ये भी एकदम नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 नींबू स्क्वीज कर दिया है इस पानी में, पानी नॉर्मल होने के बाद में, एकदम तेज गर्म नहीं है ये, गुनगुना हो चुका है, लुक वॉर्म। अब नींबू के रस को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और शक्कर पानी को बॉईल करते वक्त ही हमने डाल दी थी। अब माइक्रोवेव वाले जो खमन है उसे मैं इस तरह से पानी डाल के इसे सॉफ्ट कर लूँगी ताकि ये थोड़े मॉइस्ट हो जाएंगे और खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। जो माइक्रोवेव वाला ट्रिक है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के स्कूल टाइमिंग के लिए, जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम फटाफट से बैटर तैयार करके माइक्रोवेव में इस तरह से खमन रेडी कर सकते हैं। ये जो खमन है इसे भी मैंने बाहर निकाल लिया है, इसे ये थोड़ा नॉर्मल हो गया है, एकदम गर्म नहीं है। अब इसके चारों तरफ मैंने थोड़ा पानी डाल लिया है, अब मैं इसे इस तरह से चाकू से कट कर लूँगी और इसके स्लाइस कट कर लूँगी। खमन के स्लाइस के जो सेंटर पार्ट हैं कट वाले, वहाँ पे भी हम पानी डाल देंगे अच्छे से ताकि जो खमन है वो अच्छे से पानी को पी ले। खमन जितना पानी पिएगा उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। प्लेटिंग के समय भी मैंने ऊपर से पानी थोड़ा और इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही जो फ्राई की हुई हरी मिर्च है उसे भी गार्निश कर दिया है और धनिया पत्ती भी गार्निश कर दी है। चाहे तो आप खमन ऐसे ही खाएं, चाहे तो गुजराती पैटर्न में मीठी कढ़ी के साथ में सर्व करें। मैंने आज कढ़ी नहीं बनाई है, हम लोग ऐसे ही खाने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो खमन है वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खमन रेडी हो चुका है, इस बीच में ही मुझे बाहर से एकदम अजीब सी आवाज़ आई, तो मैंने जाकर देखा तो घर के सामने जो पानी वाली टंकी है उसमें से पानी पानी बह रहा था, एकदम से समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है। ये देखिए हमारे घर से इस तरह से कुछ दिख रहा है, ये पानी पानी गिरता हुआ दिख रहा है। तो मैंने नज़दीक जाके इसे देखना चाहा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तो मैं सब पूरी गली इकट्ठा हो गई थी, सब घबरा गए थे एकदम से, पानी की टंकी में क्या हुआ है। आप देखिए जैसे कोई नदी बह रही हो ऐसे लगातार प्रेशर से पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। नजदीक गई तब पता चला कि यहाँ पे कोई पाइप फूट चुका है, इस वजह से टंकी में जितना भी पानी था सब इस तरह से बह गया, ये पानी किसी के काम नहीं आया, बिल्कुल वेस्ट हो गया। बट हाँ, ये भगवान का शुक्र है कि इससे कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को नुकसान नहीं हुआ। बट हाँ, इस इंसिडेंट ने हम सबको टेंशन में डाल दिया था, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई थी, टंकी तो पूरी खाली हो गई जिसकी मेंटेनेंस भी पानी पूरा ख़त्म होने के बाद ही पॉसिबल हो पाई।
खमन रेडी हो चुका है, टंकी की मेंटेनेंस चल रही है, तो मैं आज आपको ले आई हूँ हमारे शहर की सबसे फेमस जलेबी शॉप पे, जहाँ पे एकदम गर्मा गर्म तैयार जलेबी मिलती है और इतनी भीड़ लगती है, लोग लाइन लगा के इंतज़ार करते हैं अपने नंबर का। और मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। आप देख सकते हैं खमन तो एकदम ख़त्म हो चुका है, फाफड़ा और जलेबी अवेलेबल है। तो लकीली हम खमन घर पर बना चुके हैं, तो हमें जलेबी फाफड़ा ही लेना है। यहाँ की जलेबी इतनी टेस्टी है कि जेठालाल की जलेबी भी इसके आगे फेल है। एक तो जलेबियाँ इतनी टेस्टी, ऊपर से बच्चों की फेवरेट, तो उसके लिए इंतज़ार करना तो बनता ही है। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 बार एकदम फ्रेश गर्मा गर्म जलेबी निकल निकल के पैक होती रही, तब तक हम इंतज़ार करते रहे कि हमारा नंबर अब आएगा। बट फाइनली वो टाइम भी आ गया जब हमारा नंबर आ चुका है और हमारी जलेबियाँ पैक हो चुकी हैं। तो जलेबी की मिठास के साथ ही आज के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।